hello everyone and welcome to mathematics you. this is course snippet series where you will find a small video clip from our final revision program for j advanced that we have launched on our app name of the app is mathematics you. after watching the video if you like it then do not forget to hit the like button because that gives us the motivation to bring or publish more quality content on the channel so let's begin so let's start फाइव स्टूडेंट्स ऑल विद डिस्टिंग टेजेस आर रैंडमली सीटेड इन रो एट दूवी द लेफ्ट टू राइट नो थ्री कॉन्जिकेटिव स्टूडेंटेड इन इनक्रीजिंग एज ऑर्डर ऑन की बात है पहले हमें प्रोबाबलिटी चाहिए किस इवेंट की इन्होंने कहा फाइव स्टूडेंट्स है सबकी डिस्टिंगटेजेस है दे आर रेंडमली सीटेड एक ही रो में बैठे हैं वो ठीक है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उन्हें इस तरह बिठाना है कि कोई भी तीन कॉन्जिकेटिव स्टूडेंट्स आर सीटेड इन इंक्रीजिंग एज ऑर्डर इस बात की प्रोबाबलिटी हमें चाहिए यानी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो ना तो बेसिकली हमारे पास पांच सीट है यार मैं सीट्स नहीं बोल रही लेफ्ट टू राइट हमारे पास पांच सीट्स दी गई है ठीक है और इन्होंने ये कहा कि इन पांच स्टूडेंट्स को रेंडमली सीट किया गया एट दीस्ट फाइव सीट्स इन आ रो कंडीशन क्या चाहते हो आप कि किन्नी भी तीन कॉन्जिकेटिव सीट्स अब देखो तीन कॉन्जिकेटिव सीट्स का मतलब या तो फर्स्ट थ्री होंगी या मिडिल थ्री होंगी या लास्ट थ्री होंगी राइट यही पॉसिबिलिटीज है कि या तो फर्स्ट थ्री कॉन्जिकटिव सीट्स या नेक्स्ट थ्री कॉन्जिकेटिव सीट्स या लास्ट थ्री कॉन्जिकेटिव सीट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉट डू यू वॉन्ट जो कोई भी तीन consecutive, जो तीन केसेस मैंने लिए ना इन तीनों ही केसेस में स्टूडेंट्स लिएक्रीजिंग एज ऑर्डर में नहीं बैठे होने चाहिए राइट प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नो थ्री कॉन्जिकटिव स्टूडेंट्स आर सीटेड इन इंक्रीजिंग एज ऑर्डर तो तीन केसेस क्या है कि फर्स्ट थ्री सीट्स या सेकेंड थ्री सीट्स या फिर लास्ट थ्री सीट्स ना तो ए वाले केस में तीन कॉन्जिकेटिव स्टूडेंट्स या तीन स्टूडेंट्स विद इंक्रीजिंग एज ऑर्डर बैठने हैं ना ही बी वाले केस में तीन स्टूडेंट्स विद इंक्रीजिंग एज ऑर्डर बैठने हैं और ना ही सी वाले केस में तीन स्टूडेंट्स विद इंक्रीजिंग एज ऑर्डर बैठने वो एज के कॉन्जिकेटिव होने की बात नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके पास जो भी तीन स्टूडेंट्स होंगे ना वो इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में नहीं होने चाहिए यानी सपोज मैं ये मान लेती हूँ कि मे बी द्री स्टूडेंट्स आर राम श्याम घनश्याम और उनकी एज है सपोज थ्री फोर फाइव तो आपको राम श्याम घनश्याम को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह बिठाना होगा कि वो इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में ना हो यानी राम घनश्याम श्याम बैठते हैं चलेगा या फिर वो अपनी एज के अकॉर्डिंग फोर फाइव थ्री बैठते हैं तो चलेगा फाइव फोर थ्री भी चलेगा क्योंकि इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग एज ऑर्डर आ गया दैट इज ऑल्सो फाइन बस इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में उन्हें नहीं बैठना है दिस इज वॉट द क्वेश्चन वॉट ठीक है सॉल्व कैसे करें जैसे कि मैंने आपको कहा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है तो अभी क्या करें इसको तो नॉट जस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पहले आपको ये भी चेक करना होगा कि आपके पास क्या कंडीशन दी गई है तो उसे आपने तरीके से इंटरप्रेट किया मैंने कहा ये तीन इवेंट्स हैं कि शायद ए इज द इवेंट दैट थ्री स्टूडेंट्स विद इंक्रीजिंग एज ऑर्डर आर सीटेड ऑन द फर्स्ट थ्री सीट्स बी इवेंट मैंने मिडिल थ्री सीट्स का लिया है सी इवेंट मैंने लास्ट थ्री सीट्स का लिया है यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के इतना तो समझ में आ गया कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इस इवेंट की करेक्ट कि ना तो ए पर ना बी इवेंट हो और ना ही सी इवेंट हो ए कौन सा इवेंट है कि फर्स्ट थ्री कॉन्जिकेटिव सीट्स पर uh, तीन स्टूडेंट्स विद इंक्रीजिंग एज ऑर्डर बैठे हैं ठीक है ए इज द इवेंट दैट ऑन द फर्स्ट थ्री कॉन्जिकटिव सीट्स थ्री स्टूडेंट्स विद इंक्रीजिंग एज ऑर्डर आर सीटेड ठीक है बी सिमिलरली मिडिल थ्री सीट्स के लिए और सी इज द इवेंट की वो लास्ट थ्री सीट के लिए तो हमें ना तो एवं चाहिए ना बी चाहिए ना सी चाहिए तो आंसर निकालेंगे सी का जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे ये क्या लिखा हुआ है दिस इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं प्लस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड आफ्टर दैट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अब हम एक एक करके सारी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और आंसर निकालेंगे तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पी ऑफ ए पी ऑफ ए में क्या चाहते हो आप पी ऑफ ए में आप यह चाहते हो कि जो फर्स्ट थ्री सीट्स है ना उस उसपे जो भी तीन स्टूडेंट्स आते हैं वो तीन स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में बैठ जाए तो पांच टोटल स्टूडेंट्स थे पांच में से किसी भी तीन स्टूडेंट्स को आपने पिक किया ठीक है कॉन्जेटिव <laughs> एज वाले नहीं लेने ऐसा कुछ नहीं कहा है बस तीन स्टूडेंट्स है तीन स्टूडेंट्स हमने पिक किए और हमने उन्हें इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में फर्स्ट थ्री सीट्स पर बिठा दिया इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में बिठाने का मतलब होगा ये तो एक ही तरीके से बैठेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा राइट सो फर्स्ट थ्री सीट्स के लिए आपने तीन स्टूडेंट उन्हें इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में बिठा दिया अब क्या चाहते हो रिमेनिंग टू सीट्स पर जो बचे हुए दो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिठाने का तरीका होगा टू फैक्टोरियल राइट जो so, रिमेनिंग टू सीट्स है उस पर रिमेनिंग टू स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन टू फैक्टोरियल वेज अब यही तरीका फॉर पी ऑफ बी भी कहा जा सकता है कि मिडिल थ्री सीट्स के लिए आपने तीन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया उस आ, उन तीन प्लेसेस पर जो तीन स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में बिठाना है तो तीन स्टूडेंट सिलेक्ट किए उन्हें इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में बिठा दिया रिमेनिंग टू स्टूडेंट्स के लिए हमने कोई कंस्ट्रेन नहीं लगाया दो सीट्स पर दो स्टूडेंट्स टू फैक्टोरियल तरीके से बैठ गए ठीक है और सिमिलरली यही आंसर फॉर पी ऑफ सी भी आएगा तो हमने ए बी सी तो कैलकुलेट कर लिया अब हम जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसमें यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब हम पी ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी इवेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता सी इवेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता दैट इज वाई वी आर नॉट टेकिंग केयर कि अरे रिमेनिंग टू स्टूडेंट्स को हमें ऐसे कैसे बिठाना होगा हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो बी सी बी वाले केस में कॉन्जिकटिव इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में ना बैठे हों नहीं ऐसा कुछ नहीं है पी ऑफ ए का मतलब आपको सिर्फ ए वाले इवेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है बी और सी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं दैट इज द रीजन कि हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं केसेस राइट ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है यानी आप क्या करते हो एट ए टाइम एक ए इवेंट पे ध्यान रखते हो बी और सी हो या नहीं हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट इज बाय उन सबको एडजस्ट करने के लिए पूरा फॉर्मूला रेडी होता है ठीक है ना तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी यानी सिर्फ ए और बी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे सी अगर करे तो ठीक है सी नहीं अगर करता तो भी इट्स टोटली फाइन पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यह है कि ए का मतलब है फर्स्ट थ्री सीट्स और बी का मतलब है नेक्स्ट थ्री सीट्स यानी आप ये चाहते हो कि ये जो चार सीट्स है ना इन चार सीट्स पे जो स्टूडेंट्स बैठेंगे वो इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में होने चाहिए अगर फर्स्ट थ्री इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में है नेक्स्ट थ्री इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में है तो ये क्लियर है कि ये जो चार स्टूडेंट्स है दे आर सीटेड इन इंक्रीजिंग एज ऑर्डर तो आप चार स्टूडेंट्स इन चार प्लेसेस के लिए सिलेक्ट करोगे अरेंज करोगे एक ही तरीके से और फिर जब एक और स्टूडेंट बचा है ना उसके लिए एक ही सीट है तो वो एक तरीके से बैठ जाएगा राइट जो लास्ट सीट होगी उस पर वो रिमेनिंग स्टूडेंट बैठ जाएगा दिस इज दी आंसर फॉर पी ए इंटरसेक्शन बी बट क्या मैं ये कह सकती हूं यूजिंग सिमेट्री की यही आंसर बी इंटरसेक्शन सी का भी आएगा और यही आंसर अब हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन सी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते वो हमें देखना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन सी में हमारा आंसर क्या आता है क्यों क्योंकि वहां पे थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है लेट मी टेल यू कि जैसे अगर मैं बात करती हूँ बी इंटरसेक्शन सी की तो आप कह रहे थे कि ये तीन और लास्ट थ्री कॉन्सिकटिव होने चाहिए यानी बेसिकली ये चार सीट पे हमें इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में स्टूडेंट बिठाने होंगे अब अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी व्हाट डू यू मीन बाय ए इंटरसेक्शन सी एक बार सिचुएशन देखते हैं पांच सीट्स है आप ये चाहते हो कि पहले तीन सीट पे इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में स्टूडेंट्स बैठने चाहिए राइट एंड सी का मतलब हुआ ये तीन सीट्स पर भी स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में बैठने चाहिए यानी बेसिकली ये तो ये कह रहा है कि ऑल फाइव सीट्स पर स्टूडेंट्स मस्ट बी सीटेड इन इंक्रीजिंग एज ऑर्डर राइट दिस इज वॉट वी वॉन्ट हमें क्या चाहिए कि हमें इन पांचों सीट पर स्टूडेंट्स को इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में बैठाना होगा अब अगर पांचों सीट पर इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में बिठाना है तो आप पांच में से पांचों स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करो बिठाने का तो एक ही तरीका है आप उन्हें इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में बिठा दो राइट right? तो P A इंटरसेक्शन सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्रोबाबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन बी और प्रोबाबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, राइट right? अच्छा प्रोबेबिलिटीज हम लिख रहे हैं तो ध्यान रखिए मैंने डिनोमिनेटर्स कहीं नहीं लिखे थे वो अभी हम एक साथ लिखेंगे तो दीज आर नॉट द प्रोबेबिलिटीज ये तो वन से बड़ी वैल्यूज दे रही हैं तो बी केयरफुल आई टू राइट इट आप नहीं भूलेगा अभी मैं एंड में उसे करेक्ट कर दूंगी है ना अभी एक बार हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी लिख लें <coughs> यानी इसका तो यही मतलब हो गया कि आप चाहते हो कि फर्स्ट थ्री सीट्स पर भी स्टूडेंट इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में हो मिडिल थ्री सीट्स पर भी और लास्ट थ्री सीट्स पर भी यानी फिर से आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हो कि ऑल द फाइव स्टूडेंट्स मस्ट बी सीटेड इन देयर इंक्रीजिंग एज ऑर्डर इंक्रीजिंग एज ऑर्डर में आपको उन्हें बिठाना है तो वो एक ही तरीका होगा ठीक है रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी जैसा मैंने कहा मैं इन सबको करेक्ट कर दी हूँ डिनोमिनेटर इन सबके लिए क्या लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटीज है पांच स्टूडेंट्स पांच सीट पर बिठाए जा रहे हैं तो सबका डिनोमिनेटर आता जाएगा फाइव फैक्टोरियल ठीक है सबका डिनोमिनेटर आपने क्या लिखना है फाइव फैक्टोरियल लिखते जाइए तो ये करेक्ट वैल्यू देगा

एक साथ लिख दूंगी आफ्टर दैट तीन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना था कौन सी तीन टर्म्स थी और उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी आ रही है, वो भी देखते है. तो दो वैल्यूज तो है फाइव एंड फाइव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ये है 1 ठीक है तो हम लिखेंगे माइनस 5 प्लस 5 प्लस 1 और फिर हमें ऐड करना है कैंसिल तो कर ही दिया अभी सिक्सटी माइनस टेन का मतलब अच्छा फिफ्टी है फिफ्टी बाय ट्वेल्व का मतलब हुआ वन माइनस फाइव बाई ट्वेल्व ये आ गया सेवन बाय ट्वेल्व तो ये रहा हमारा आंसर फॉर द प्रोबेबिलिटी अब अगर ये प्रोबेबिलिटी है इफ दिस इज द प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है इन्होंने कुछ हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी टर्न्स आउट टू बी एम बाई एन ठीक है एम बाय प्रोबेबिलिटी थी हमें एम प्लस एन निकालना है हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो जब आप दोनों को ऐड कर लेंगे जब आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो आप देख लीजिए आपका आंसर कितना आएगा सेवन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू नाइनटीन सो दिस इज द दैट वी हैव फॉर द क्वेश्चन रिमाइंडिंग यू वंस अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ट्रॉपगेट द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय